हाय एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप ईसीजी कैसे पढ़े। ईसीजी पढ़ना मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, आईसीयू स्टाफ और इमरजेंसी स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ईसीजी पढ़ना आता है तो आप बहुत से पेशेंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। ये अपन 10 स्टेप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिदम देखना है, फिर रेट देखना है, फिर एक्सिस, देन PA PR इंटरवेल, QRS कॉम्प्लेक्स, QWave, QT इंटरवेल, ST सेगमेंट एंड TN VWave। रिदम इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि रेट कैलकुलेशन यदि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है उसी पे डिपेंड करता है, इसलिए रेट से पहले रिदम देखना रहता है। सबसे पहले ईसीजी में आपको कैलिब्रेशन देखना है और ईसीजी की वैलिडिटी चेक करना है। नॉर्मल कैलिब्रेशन 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट रहता है और स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकेंड रहती है। इसके बाद में वैलिडिटी देखने के लिए आपको लीड सेकेंड और AVR देखना है। लीड सेकंड में सारी वे PRT पॉजिटिव होंगी और AVR में सारी वे नेगेटिव होंगी। देन सी द नेम ऑन ECG एंड एज आल्सो, क्योंकि एज अलग अलग एज पे ECG अलग अलग हो सकती है। एंड आल्सो सी द डेट एंड टाइम। रेगुलर साइनस रिदम में आपको 4 पॉइंट देखने हैं। हर PWave के बाद में QRS आएगा, PR इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, RR जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा और पी वेव की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल रहेगी। इरेगुलर रिदम में चारों जो साइनस रिदम के फीचर हैं वो नहीं होंगे, इसमें इरेगुलर रहेगी और ये रेगुलरली इरेगुलर हो सकती है, जैसे PVC में या सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, या फिर कम्प्लीटली इरेगुलरली इरेगुलर हो सकती है जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में। रेगुलर रिदम में 2 तरीके से रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 1 RR और दूसरा 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 1 RR। यहाँ पे दे सकते हैं, यदि स्मॉल स्क्वायर का यूज़ करते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाई 17 = 88 और यदि बिग स्क्वायर यूज़ करते हैं तो 300/4 = 75 पर मिनट रेट आता है। इरेगुलर रिदम में रेट कैलकुलेशन करने के लिए रिदम स्ट्रिप का यूज करेंगे या 10 सेकेंड मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि जो रिदम स्ट्रिप रहता है नॉर्मली वो 10 सेकेंड के लिए रहता है। तो नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करेंगे 10 सेकेंड में, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, जो कि 1 मिनट में बताएंगे टोटल कितना QRS हैं या कितनी रेट है। यहाँ पे नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन 10 सेकेंड है 13, सो रेट विल बी 13 × 6 = 78 पर मिनट। किसी पर्सन का यदि RR इंटरवल और PP इंटरवल डिफरेंट है, जैसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होता है, तो उनकी रेट एट्रियल रेट और वेंट्रिकल रेट दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे एट्रियल रेट है 1500/17 = 88 और वेंट्रिकल रेट है 1500/42 = 35 पर मिनट। नेक्स्ट इज कार्डियक एक्सिस। कार्डियक एक्सिस का मतलब होता है जो ओवरऑल जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी जब इम्पल्स ऐसे नोड से आती है और वेंट्रिकल में जाती है तो जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसको इलेक्ट्रिकल एक्सिस बोलते हैं, कार्डियक एक्सिस बोलते हैं। नॉर्मल पर्सन में ये 11 o'clock से 5 o'clock की तरफ जाती है, यानी लीड 2 की तरफ जाती है जो मोस्ट पॉजिटिव रहेगी। नॉर्मल पर्सन में कार्डियक एक्सिस -32 + 110 रहता है। लीड 1 एंड AVF दोनों पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट इज राइट एक्सिस डेविएशन। ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में दिखाई देगी और इसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट है मेनली राइट वेंट्रिकल की तरफ रहेगा, तो इसमें लीड 1 है वो नेगेटिव रहेगी और लीड जो AVF है वो पॉजिटिव रहेगी। इसको यूं भी याद रह सकते हैं राइट रिचेज, यानी लीड 1 और AVF दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का मतलब है जो मेन फोर्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ रहेगा और ये हार्ट की जो कंडक्शन एबनॉर्मलिटी है और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में दिखाई देगी। इसमें लीड 1 पॉजिटिव रहेगी और लीड AVF है वो नेगेटिव रहेगी, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी और इसमें आप यूँ याद रख सकते हैं लेफ्ट लीव्स। PWave एट्रियल एक्टिवेशन को इंडिकेट करता है और नॉर्मल PWave का ड्यूरेशन है 120 मिलीसेकंड से कम रहता है और नॉर्मल जो PWave की हाइट है वो <2.5 mm रहती है। यदि PWave की हाइट <2.5 mm है तो उसको P pulmonial बोलते हैं और वो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट या राइट एट्रियल एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। यदि PWave की विड्थ <120 mm है तो वो उसको P mitral बोलते हैं और वो इंडिकेट करती है कि जो लेफ्ट साइड के वाल हैं, माइटल वाल हैं, उनकी एबनॉर्मलिटी है और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है।
और यदि पी वेव टॉल और वाइड दोनों है तो वो इंडिकेट करती है बाई एट्रियल एनलार्जमेंट को। पी आर इंटरवेल ये ड्यूरेशन है स्टार्ट ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ क्यू वेव के बीच का, ये इंडिकेट करता है कि एट्रियल एक्टिवेशन से लेके वेंट्रिकल एक्टिवेशन होने में कितना टाइम लगता है। नॉर्मली ये 120 से 200 मिली सेकेंड रहती है या 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर रहती है। यदि पी वे 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करती है एट्रियो वेंट्रिकल ब्लॉक को, कंडक्शन एबनॉर्मलिटी को। यहाँ पे देख सकते हैं पी आर प्रोलोंग है 400 मिली सेकेंड है, जो कि इंडिकेट करती है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक को। यदि पी वे 80 to 100 मिली सेकेंड हो तो उसको शॉर्ट पी आर इंटरवल बोलते हैं, और ये अपने को मिलती है यदि पी वे एवी नोड के पास से ओरिजिनेट हो रही हो या कोई एसेसरी पाते हो, यानी WPW सिंड्रोम हो, एट्रिया और वेंटिकल में डायरेक्ट कनेक्शन हो। नेक्स्ट QRS कॉम्प्लेक्स देखना है, और उसमें आपको विड्थ, हाइट और मॉर्फोलॉजी, ये तीन चीज़ें देखनी है। यदि QRS कॉम्प्लेक्स लेस देन 120 मिली सेकेंड है तो उसको नैरो कॉम्प्लेक्स QRS बोलते हैं, और यदि 120 से ज़्यादा है तो उसको वाइड QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यदि QRS की हाइट लेस देन 5 मिलीमीटर है इन लिम्ब लीड में, और यदि लेस देन 10 मिलीमीटर है इन चेस्ट लीड में, तो उसको लो वोल्टेज ECG बोलते हैं, और ये कार्डियक टेम्पोनेट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और एम्पाइसीमा और COPD में देखने को मिलता है। टॉल QRS कॉम्प्लेक्स इज सीन इन वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। QRS मॉर्फोलॉजी के लिए आपको लीड V1 और V6 देखना है। यदि V1 में RS R-डैश पैटर्न है तो वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को इंडिकेट करता है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे मैरो है तो यानी M पैटर्न इन V1 एंड W पैटर्न इन द V6। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए आपको विलियम याद रखना है, यानी W पैटर्न इन V1 एंड M पैटर्न इन द V6। V6 में आपको नोज्ड आर वेव दिखाई देगी। आइसोलेटेड क्यू वेव नॉर्मल होती है, जैसे लीड 3 में या V5 V6 में क्यू वेव दिख सकती है, लेकिन यदि पैथोलॉजिकल क्यू वेव है तो उसका क्राइटेरिया है यदि 2 मिलीमीटर वो हाइट में रहेगी और मोर देन 40 मिली सेकेंड और एक स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा वो विड्थ में रहेगी। पैथोलॉजिकल क्यू वेव है वो इंडिकेट करती है कि ओल्ड उसको MI रहा हुआ है। QT इंटरवल का मतलब है टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ क्यू वेव से लेके एंड ऑफ द टी वेव तक, ये टोटल वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को बताता है। नॉर्मली जो QT इंटरवल रहती है 420 मिली सेकेंड रहती है मेल में और 430 मिली सेकेंड रहती है फीमेल में। एक नॉर्मल रूल ये रहता है कि यदि QT इंटरवल RR इंटरवल के हाफ से इनसाइड में हो तो QT इंटरवल उसका नॉर्मल रहता है। यदि QT इंटरवल प्रोलोंग हो तो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल एरिथमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऑफ S वेव एंड स्टार्ट ऑफ ST सेगमेंट के जंक्शन को J पॉइंट बोलते हैं। J पॉइंट एलिवेशन ब्रुगाडा सिंड्रोम और अर्ली रिपोलेशन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ST सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन रहती है बिटवीन द S वेव एंड द स्टार्ट ऑफ द T वेव। ST सेगमेंट एलिवेशन मेनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक में देखने को मिलता है। यदि इसमें लिम्ब लीड में 1 mm से ज़्यादा एलिवेशन हो 2 लीड में, और यदि 2 mm से ज़्यादा एलिवेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा लीड में चेस्ट लीड में, तो उसको ST एलिवेशन MI बोलते हैं। ST सेगमेंट यदि मोर देन और इक्वल 2.5 mm डिप्रेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा लीड में, तो इसको ST सेगमेंट डिप्रेशन बोलते हैं, और ये मायोकार्डियल इस्चेमिया में मिलता है। ST सेगमेंट डिप्रेशन कई टाइप का होता है, जैसे अप स्लोपिंग है, डाउन स्लोपिंग है या हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन। डाउन स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल मोर स्पेसिफिक है मायोकार्डियल इस्चेमिया के लिए। टी वेव वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, और यदि टी वेव की हाइट मोर देन 5 mm हो लिम्ब लीड में और मोर देन 10 mm हो इन चेस्ट लीड में, तो उसको टॉल टी वेव बोलते हैं। टॉल टी वे मेनली हाइपरकैलेमिया में और हाइपर एक्यूट ST एलिवेशन MI में देखने को मिलता है। यदि टॉल टेंटेड टी वे हो, यानी नैरो बेस टी वे हो, तो वो हाइपरकैलेमिया में मिलती है, जबकि यदि वाइड बेस टी वे हो तो वो ST एलिवेशन MI में मिलती है। इन्वर्टेड टी वे V1 और लीड 3 में नॉर्मली देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि इन्वर्टेड टी वे ज़्यादा लीड्स में हो तो वो इस्चीमिया में, बंडल ब्रांच ब्लॉक में, हाइपरट्रोपी में और हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलता है। इस सीमा में जो टी वेव इन्वर्जन होता है वो सिमेट्रिकल रहता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी में जो टी ए इन्वर्जन रहता है वो एसिमेट्रिकल रहता है।
बाईफेजिक टी वेव हैज टू पीक्स और ये मेनली इस्चीमिया और हाइपोकेलिमिया में मिलती हैं। यदि चेस्ट लीड में बाईफेजिक टी वेव हैं और पेशेंट्स को चेस्ट पेन है और सिम्टम्स हैं तो ये इंडिकेट करती हैं एलईडी आर्टरी में ब्लॉक है। फ्लैट टी वेव कैन बी सीन इन इस्चीमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। यू वेव इज ए स्मॉल डिप्लेक्शन आफ्टर टी वेव एंड ये मेनली वी टू और वी थ्री लीड में अच्छी दिखते हैं और यू वेव हैं जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, हाइपोथर्मिया और एंटी एरिथमिक थेरेपी जैसे डिगोक्सिन है इनमें देखने को मिलती है। ईसीजी पढ़ने के बाद में आप अपना इंटरप्रिटेशन बनाएं, जैसे यहाँ पे रिदम रेगुलर है, रेट 88 है, एक्सिस 60 डिग्री है, पी वेव नॉर्मल है, पी आर इंटरवल 120 मिली सेकेंड है, क्यू आर एस ड्यूरेशन 100 मिली सेकेंड है, कोई पैथोलॉजिकल क्यू वेव नहीं है, क्यू टी इंटरवल नॉर्मल है, कोई एस टी सेगमेंट चेंज नहीं है, टी वेव नॉर्मल है, अपराइट है, वी वेव इसमें एबसेंट है। तो फाइनल इंप्रेशन इसमें जैसे आता है नॉर्मल साइनस रिदम एट द रेट ऑफ 88 पर मिनट। यदि आप ईसीजी को इन स्टेप वाइज रीड करेंगे तो आप कभी भी कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे और इजीली आप ईसीजी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब भी आपको ईसीजी मिले वार्ड में या हॉस्पिटल में आप उसको रीड करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी ईसीजी पे कमांड एकदम अच्छी हो जाएगी और आप कभी ईसीजी से डरेंगे नहीं। ईसीजी के बारे में आपका कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।